हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर है द प्लांट फेरी। प्लांट फेरी, फेरी क्या होती है? परी। ठीक है, तो प्लांट फेरी, प्लांट फेरी का मतलब है पेड़ों की परी। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर रीड करेंगे। सो आपका चैप्टर है लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। वी प्लेड हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। We had a lot of fun. After some time, Didi said, "Let us play a new game today. We had played this game in the camp last year. I will become a plant fairy. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it." ठीक है, तो बोला हम पिछले संडे एक गार्डन में गए जो कि हमारे पड़ोस में था। ठीक है, हमने वहाँ पे छुपन छुपाई खेली और अंताक्षरी खेली और वहाँ पे बहुत सारा मज़ा किया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें दीदी ने बोला कि हम एक नई गेम खेलते हैं। ठीक है, वो गेम जो हमने लास्ट ईयर अपने कैंप में खेली थी। ठीक है, मैं क्या बनूँगी? एक पेड़ों की परी बनूँगी और जो भी मैं आपको चीज़ का नाम बताऊँगी, आपको वो चीज़ वहाँ पर टच करनी है। ठीक है, तो इस तरह से दीदी ने नई गेम उन बच्चों को बताई। द गेम बिगेन। दीदी सेड, द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड द प्लांट्स। ठीक है, अब गेम शुरू होगी और दीदी ने बोला कि पेड़ों वाली परी चाहती है कि जाओ और आप पौधों को टच करो। ठीक है, तो सभी बच्चे दौड़ पड़े कहाँ पे? पेड़ों के पास, उनको टच करने के लिए। ये देखो किस तरह से बच्चे वो पेड़ों को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, गेम खेल रहे हैं। नेक्स्ट है, फिर दीदी ने क्या बोला? दीदी सेड, वेरी गुड, एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट, बट हैव यू नोटिस दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दीदी, You are also sitting on little plants, said Shabnam. Can you name the plant on which Didi was sitting? ठीक है, अब क्या बोला दीदी ने? बोला बहुत अच्छे, आप सभी ने प्लांट्स को छू लिया। ठीक है, पौधों को छू लिया है, लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस की? क्या आपने ध्यान दिया कि सभी जो पौधे हैं आपस में कितने अलग हैं, वो किसी से नहीं मिलते। ठीक है, तो शबनम ने एकदम से बोला कि दीदी आप ही तो छोटे छोटे पौधों के ऊपर बैठे हुए हो, तो ये देखो दीदी कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन से पौधे पे बैठी है? चलो ये आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, आपने अपनी बुक में देखना है और नाम ढूंढना है कि कौन से पौधे पे दीदी बैठी हुई है। ठीक है, द गेम स्टार्टेड अगेन। द प्लांट फेरी नाउ सेड, टच अ ट्री विच हैज़ Either a thick or a thin trunk. ठीक है, तो अब फिर से गेम शुरू होगी और बोला कि प्लांट फेरी ने क्या बोला? फिर बोला एक ऐसे पेड़ को पकड़ो जिसका जो तना है, ट्रंक माने तना। ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने किया था ये। तो बोला उन पेड़ों को टच करना है जिनका जो तना है या तो मोटा है या तो पतला है। तो सभी बच्चे फिर पेड़ों की तरफ भाग पड़े जिनका जो ट्रंक है, जिनका तना है जो मोटा है या पतला है। द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्री विथ थिक और थिन ट्रंक्स। हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? ठीक है, तो अब सभी बच्चे वहाँ पे भाग गए, उन्होंने टच कर लिया उन ट्रीज को जिनका जो तना है, जिनका ट्रंक जो है वो मोटा है या फिर पतला है। तो यहाँ पे देखो इतना मोटा सा ट्रंक दिया है, ये देखो कितना मोटा ट्रंक वाला ट्री दिया है। ठीक है, तो क्या आपने कभी इस तरह का कोई पेड़ देखा है जिसका जो ट्रंक है वो इतना ही मोटा हो? ठीक है, तो हाँ आपने देखा है आपके स्कूल कैंपस में जो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, उसका जो ट्रंक है वो काफ़ी मोटा होता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी हमने किया था प्लांट्स अराउंड अस, तो सिमिलर चैप्टर है ये आपका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।